हेलो गाइस, दिस इज सैयद नेमतुल्ला हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है थर्सडे, तो फाइनली अम्मा अब्बा आ जाएंगे कराची से। तो इस वजह से काफ़ी खुशी थी क्योंकि 2-3 महीने हो गए मुझे टर्की में, और अम्मा अब्बा से मिलने का काफ़ी ज़्यादा मुझे वो था, मतलब कि टाइम से था कि अम्मा अब्बा से मिलना है। तो अब आखिरकार आज वो दिन आ गया अम्मा अब्बा से मिलने का। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है सारे कामों के साथ साथ। हाँ यार, तो मेरी यूनिवर्सिटी में चल रहा है एक आर्टिस्ट कंपटीशन, तो उसके मैंने कुछ शॉट लिए, तो वो मैं चेक करा था। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। यूनिवर्सिटी हो गई मेरी ख़त्म, अब मुझे जाना है बिम पे जाऊंगा या फिर मैं शौक पे जाऊंगा। कुछ लेना है, चिकन लेनी है और मुझे लेना है दही, बस ये दोनों चीज़ें लेते हैं और फिर पहुँचते हैं डायरेक्ट घर। तो सारी शॉपिंग हो गई ख़त्म, अब बस पहुंचना है घर पे, और घर पे पहुंचने के बाद वेट करेंगे अम्मा अब्बा का। मुझे टर्की आने के बाद हमेशा से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ये कि कब वो हसीन दिन आएगा कि जिस दिन मेरे कराची से अम्मा अब्बा आएंगे इस्तांबुल। और आखिरकार मेरे आने के ठीक 2 महीने 15 दिन बाद वो दिन आ गया था कि जिस दिन मेरे अम्मा अब्बा कराची से इस्तांबुल आ रहे थे। अब्बा से मिलकर कुछ देर इमोशनल होने के बाद अब बारी थी मेरे पसंदीदा काम की, और वो था अनपैकिंग का। और अनपैकिंग की जल्दी मुझे क्यों थी, उसकी ख़ास वजह थी क्योंकि कराची से आई हुई कराची की जान, कराची की शान और कराची की पहचान वो थी बिरयानी। तो अम्मा अब्बा लोग आ गए थे कराची से, कराची से अम्मा आई, मिल लिया, सब हो गया खत्म, वो चैप्टर हो गया अब साइड पे। अब चैप्टर है बिरयानी का। बिरयानी मुझे वैसे तो काफी ज्यादा पसंद है, और बीफ बिरयानी हो तो उसकी बात ही अलग है। अभी खुशबू उसकी इतनी बेहतरीन आ रही है, पीछे बहन बैठी है शूटिंग करने मेरी, तो अब ये बोल रही है बस तुम शूटिंग खत्म करो, मुझे भी बिरयानी खानी है, तो मैं ट्राई करता हूँ, वरना ये ना हो कि फिर वो शूटिंग छोड़ के मेरे साथ ही खाना शुरू हो जाए। तो ट्राई करते हैं बीफ बिरयानी है, बिस्मिल्लाह। हाँ, इस बात का जो इसकी जो फील है ना, ये आपको अंदाजा हो ही नहीं सकता। मतलब ये आपको अंदाजा करना है तो किसी रिश्तेदार को कॉल करें, उससे पूछें भाई कराची की बिरयानी का क्या मजा होता है। कराची वालों के लिए बिरयानी से ज्यादा कोई बड़ी चीज ही नहीं होती। और अगर आप आ गए बाहर तो फिर तो भाई आपकी जो है ना जिंदगी अजीब हो जाती है, आपको बिरयानी नहीं मिलती। तो अब बिरयानी मुझे मिलता है, बिरयानी के साथ साथ मेरे पास हलीम भी है। अब हलीम मैं प्लेट में निकालने वाला नहीं हूँ, बस एक चमचा लूंगा, उसके बाद फिर मैं बहन को इन्वाइट कर लूंगा। लीमू डालता नहीं हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट के लिए डालना पड़ रहा है लीमू, मुझे पसंद है नहीं वैसे लीमू। हाँ, भाई खत्म, जालिम हो गया, मैं मुझे थाने दे, अब ज्यादा देर रुका नहीं जा सकता। तो हाँ यार, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।